जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्धि श्रावणी मेले का उद्घाटन 14 जुलाई को होना है। इसको लेकर डीआईजी विवेकानंद, डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम के अलावा जिला एवं प्रखंड के अधिकारियों के साथ जहाज गंगा घाट में बने नमामि गंगे घाट का निरीक्षण कर उद्घाटन स्थल का मुआयना किया। साथ ही अजगैबीनाथ गंगा घाट में बने बैरिकेडिंग की व्यवस्था एवं बाढ़ नियंत्रण द्वारा गंगा घाट में दिए जा रहे बोरे में बालू भर जियो बैग का निरीक्षण करते हुए सभी अधिकारियों को जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए गंगा घाट को समतल करने का भी निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। साथ ही कच्ची कांवड़िया पथ का भी निरीक्षण कर कांवड़िया पथ में कार्य जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान डीआईजी विवेकानंद, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह, एसएसपी बाबूराम, डीएसपी गौरव कुमार, एडीएम शिव कुमार शैब, डीडीसी प्रतिभा रानी, एसडीओ धनंजय कुमार, सिविल सर्जन उमेश शर्मा के अलावा कई पदाधिकारी उपस्थित थे। जगत न्यूज 24 के लिए बिहार भागलपुर से आशीष कुमार की खास रिपोर्ट। आज यहाँ डीआईजी महोदय के नेतृत्व में जो सुरक्षा तैयारियां उनका जायजा लिया गया है। अभी कई जगह पे घूम लिया, सभी घाट देख लिए हैं। अभी जो पार्किंग स्थल है, नियंत्रण कक्ष वगैरह है, अभी उनकी समीक्षा की जा रही है। तो तैयारियां चल रही हैं और सुरक्षा से संबंधित पूरे जिले में जो फोर्स और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होनी है, इसका जॉइंट ऑर्डर निकल चुका है और सभी तैयारियां समय के हिसाब से चल रही हैं। सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर कितने पुलिस बल की तैनाती है? यहाँ लगभग 2000 पुलिस बल तैनात है। सर, उद्घाटन में कौन आने वाले सही सर? देखिए, वो तो डीएम साहब को आएगा सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन। कंवड़िया पथ में सर अभी भी आधा अधूरा ही काम बचा हुआ है, तो उसको कितने क्या टारगेट दिया गया? दूसरे विभाग का काम है और वो भी उच्च स्तर से समीक्षा की जा रही है, तो सभी काम टाइम के हिसाब से ठीक चल रहे हैं, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। और जो सीसीटीवी कैमरे की लगाने की बात की गई थी सर, तो अभी तो पूरी तरह से लगी नहीं है, तो कब तक वो टारगेट? सीसीटीवी कैमरे भी ऑलमोस्ट लग चुके हैं, उनका नियंत्रण कक्ष और डिस्प्ले जो सिस्टम है वो सुल्तानगंज थाना में लगाया गया है, वो भी ठीक काम कर रहा है।